देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम ने सुनियोजित काम करने वालों को दी छूट। तो बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर मरम्मत करने वालों को राहत, संबंधित थाने से जारी कराना होगा पास। तो देहरादून के भीतर आपदा बचाव निर्माण कार्यों को भी मंजूरी, निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों को भी मंजूरी डीएम की तरफ से। तो सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि इस दौरान पालन करना होगा, तो तमाम नियमों के साथ यहां पर राहत, निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आदेश डीएम की तरफ से। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, डीएम ने स्वनियोजित काम करने वालों को छूट दी है। बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर मरम्मत करने वालों को राहत डीएम की तरफ से, और इसके लिए संबंधित थाने से पास जारी कराना होगा। तो जिसके पास ये पास होगा उन्हीं को इससे राहत मिलेगी। देहरादून के भीतर आपदा बचाव निर्माण कार्यों को भी मंजूरी डीएम ने दे दी है, तो वही निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य करने को भी मंजूरी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान पालन करना होगा, तो सशर्त यहां पर राहत दी गई है। कुछ नियम जो लॉकडाउन के तहत हैं उनका भी खास ख्याल रखना होगा, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखना हो, साथ ही बिना वजह लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर खास ख्याल रखा है, और जिन्हें छूट दी गई है, और ऐसे लोग जो बिना वजह सड़कों पर निकलने की कोशिश करते हैं वो इसका फायदा ना उठा सकें, इसको लेकर पास सिस्टम यहाँ पर किया गया है। जिनके पास पास होगा उसी को ये राहत मिल पाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत कांबोज का भी रुख करेंगे। अजीत, डीएम ने स्वनियोजित काम करने वालों को दी छूट। वैसे लॉकडाउन 2 में तमाम तरह की रियायत आम जनता को मिल रही है, और इसी की तरह उन कामगारों को भी थोड़ी राहत सरकार की तरफ से दी जा रही है जो किसी न किसी कारण से अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं और आर्थिक संकट उनके सामने आने लगा है। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो हालांकि रेड जोन में राजधानी देहरादून है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहत जरूर दी जा रही है आम जनता को और उन कामगारों को जो अपना काम धंधा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इसी के चलते आज सुबह ही डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। स्वनियोजित जो कामगार हैं उनको लेकर, इसमें बढ़ई हैं, प्लंबर हैं, मैकेनिक्स हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या कंप्यूटर की मरम्मत का कार्य करते हैं, उनको संबंधित थानों के माध्यम से पास जारी किए जाएंगे और फिर वो अपना रोजगार चला सकते हैं। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो वो लोग हैं जो यहाँ पर सेंटर्स में फंसे हुए हैं, उनको लेकर भी एक राहत दी गई है कि वो जिले के भीतर काम धंधे कर सकते हैं। किसी भी तरह के जो निर्माण है, सरकारी चाहे राज्य स्तर की हो चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर आपदा बचाव के निर्माण कार्य हैं, उनको भी यहाँ पर राहत दी गई है और ये निर्माण भी शुरू किए जा सकते हैं। जी शुक्रिया अजीत जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।